हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राधिका बेकर्स फ्रॉम ठाणे। ठाणे में मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलते हैं। अगर किसी को बेसिक टू एडवांस के क्लास करना है या और कोई क्लास करना है तो प्लीज़ व्हाट्सएप मी। और आज मैं आपको जो रेसिपी दिखाने जा रही हूँ वो है बेसिक वनीला स्पॉन्ज की रेसिपी। बहुत ईजी तरीके से ये रेसिपी बनती है। जो आपके घर में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हो वैसे आप वो रेसिपी बना सकते हो। झट से बनती है ये जो रेसिपी है। इसमें आपको ना ही कर्ड लगेगा, ना ही कंडेंस मिल्क है, ना ही बटर है। कहीं जो घर में चीज़ें हैं वो उठाओ और केक बनाओ। तो लेट्स स्टार्ट हम करते हैं। और इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। ये साइड पे ले लेते हैं सबसे पहले। और सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के लेंगे। ओके, ये सब चीज़ें मैं निकालती हूँ यहाँ से। आपको दिखने में आसानी हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे मैदा, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा इसमें ही मैंने मिला दिया है। ओके, उसके बाद मिल्क पाउडर, पाउडर शुगर, इन सब चीजों को आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। मैंने यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के ले लिया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे जो वेट इंग्रेडिएंट्स है वो डालेंगे। सबसे पहले हम वाटर डालेंगे। मैंने वाटर वार्म वाटर दिया है, ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत लाइटली थोड़ा सा गर्म है। उसके बाद हम 3 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे। अभी हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है। अभी लास्ट में हम विनेगर ऐड करेंगे। कि ये जो बैटर है हमारा ये रेडी हो चुका है। अभी मैं इसेंस डालती हूँ इसके अंदर। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून इतना भी पाइनएप्पल इसेंस डाल रही हूँ। मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बनाना है तो मैं पाइनएप्पल इसेंस डाल रही हूँ। अगर आपको वैनिला स्पंज चाहिए तो आप वैनिला इसेंस यूज कीजिए। ओके, अगेन मैं मिक्स करूँगी।
थोड़ा सा मैं येलो कलर डालूँ इसके अंदर, क्योंकि मैं ये पाइनएप्पल केक बना रही हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा येलो कलर चाहिए इसके अंदर। ये ऑप्शनल है, अगर चाहिए तो डाल दीजिए, नहीं चाहिए तो मत डालो। ओके नाउ ये रेडी है बैटर। ओके यहाँ पे मैंने 6 इंच टिन लिया है, मैंने ऑयल से ग्रीस करके रेडी करके रखा है इसको, मैदा डस्ट करके रखा था। तो जो बैटर है हम इसके अंदर डाल देते हैं। ओके तो अभी इसको बेक करने के लिए हम, मैंने ओटीजी को प्रीहीट करके रखा है 180 डिग्री सेल्सियस पे। ये जो बैटर है ये रेडी है। ओके नाउ हम इसे बेक कैसे करेंगे, मैंने ओटीजी को मेरे प्रीहीट करके रखा है 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 to 25 मिनट्स के लिए हम इसे बेक करेंगे। ओके बोथ रॉड्स जो है हमारे ऊपर की रॉड्स, ये जो बैटर है अभी रेडी है, अब मैं इसको बेक करने के लिए डालती हूँ। ओटीजी मैंने प्रीहीट करके रखा है 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 to 25 मिनट्स के लिए इसको हम बेक करेंगे, जब तक कि हमारा टूथपिक जो है क्लीन नहीं निकलता। सेंटर में टूथपिक डाल के आपको चेक करना है कि हमारा केक बेक हुआ है या नहीं हुआ है। ओके सी हाउ स्पॉन्जी इट इज़।